ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अंतर्विराजित पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। मुनि केशी कुमार जी, उपस्थित तेरापन प्रोफेशनल फोरम के सदस्यगण, तेरापन प्रोफेशनल फोरम का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है और इस अधिवेशन में प्रोफेशनल्स लोग अलग अलग जगह से आए हैं और देखते ही देखते ये 15वां अधिवेशन है नेशनल कॉन्फ्रेंस, 15th नेशनल कॉन्फ्रेंस। ऐसा लगता है जैसे कल ही संस्था शुरू हुई थी, बट देखा जाए तो 15th मतलब 14 इयर्स कंप्लीट कर चुके हैं या 15th कंप्लीट होने वाले हैं। और अनेक अध्यक्षों ने, अनेक व्यक्तियों ने इस संस्था को सिंचन दे करके बड़ा किया है। प्लांट जो लगाया गया था उसने अपनी जड़ें पकड़ ली है और एक प्लांट्स के मल्टीपल प्लांट्स हो गए। इस प्रोफेशनल फोरम का जो मुख्य उद्देश्य समझा जाए कि प्रोफेशनल्स लोगों को धर्म संघ के साथ जोड़ना, प्रोफेशनल्स लोगों के लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को उतारना, हमारा संघ हमारा दायित्व है उसके विषय में सजग करना। तो वैसे देखा जाए तो हर बर्थडे या एनिवर्सरी रिट्रोस्पेक्शन के लिए होती है कि मैंने अब तक क्या किया या आगे के लिए क्या करनीय है, क्या करना चाहिए था जो नहीं किया, ये सब रिट्रोस्पेक्शन का पार्ट होता है। तो हमारा संघ हमारा दायित्व का बैच लगाते हुए या टाई लगाते हुए 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, अपने संघ के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह कितनी निष्ठा के साथ किया, ये आत्मालोचन का सब्जेक्ट है। एक तो आपको पद के लाया गया, आपने काम किया, तो वो तो टीपीएफ का मोटो नहीं है। मोटो तो हर मेंबर के लिए इक्वली लागू होता है, जितना नवीन के लिए है, पंकज के लिए है, उतना ही एक नॉर्मल मेंबर के लिए भी लागू है कि तेरा पंथ धर्म संघ के प्रति मेरा क्या दायित्व है, टीपीएफ के प्रति क्या दायित्व है, ये नहीं, तेरा पंथ हमारा संघ हमारा दायित्व। तो मेरे दायित्व के अकॉर्डिंग मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड कंट्रीब्यूशन किसी भी वे में हो सकता है, और कुछ नहीं तो अपनी लाइफ को इतना अच्छा बना ले कि वो एक तेरापंथ की ब्रांड बन जाए कि यदि तेरापंथी को देखना है तो इसको देखो, तो वो भी हमारा दायित्व है, तो भी हम उसे मान लें कि हम सफल हैं। क्योंकि आज तेरापंथ अपने आप में एक ब्रांड बन चुका है, एक गुडविल है, कहीं भी जाके बोले कि मैं तेरापंथ से बिलोंग करता हूँ तो लोग आपको रेस्पेक्ट के साथ देखते हैं कि अच्छा ये आचार्य श्री महाश्रवण जी वाले हैं, और ये मैं नहीं, जो लोग आते हैं वो बताते हैं कि आचार्य श्री की यात्रा के बाद उस एरिया में जो भी आदमी मिलता है, जब उसको बताते हैं कि वी आर द फॉलोअर्स ऑफ आचार्य श्री महाश्रवण, तो उनको लगता है कि ये लोग तो जरूर सात्विक होंगे, ये लोग तो ईमानदार होंगे, नशा मुक्त होंगे। तो वो जो एक गुडविल बनी हुई है उसे बढ़ाना हम सबका दायित्व है। आज का जो सब्जेक्ट दिया गया या मैंने लिया, कुछ भी कह दूं, वो है कि लाइफ को प्रोफेशनली कैसे जिए। मैंने अमूमन ये पाया कि जितने प्रोफेशनल्स हैं उनका लाइफ लगभग उतना ही अनप्रोफेशनल है। सब कुछ है, टाइम मैनेजमेंट बहुत पहले से पढ़ते आए हैं, शायद हंड्रेड्स ऑफ सेमिनार्स में उन्होंने टाइम मैनेजमेंट सीखा है, पर टाइम मैनेजमेंट नहीं है। स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखा बट स्ट्रेस ज़्यादा है,
एंगर मैनेजमेंट सीखा, बट थोड़ा सा होते ही इरिटेशन और एंगर भी आ जाता है। तो यदि मेरी लाइफ प्रोफेशनल नहीं है तो केवल टाई लगाने से या अपने नाम के आगे डॉक्टर या सीए लिखने से तो कोई प्रोफेशनल नहीं हो जाता। यदि अपने काम में कोई प्रोफेशनल है तो वो तो कोई भी हो सकता है। एक टेररिस्ट भी अपने काम में बहुत प्रोफेशनल होता है, और चोर के जितना प्रोफेशनल तो कोई होता ही नहीं है। बट खाली बुद्धि होने से कोई मैनेज्ड नहीं हो जाता, उसके साथ साथ उसका उपयोग सही डायरेक्शन में होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले मैं इसकी चर्चा करना चाहूंगा कि हाउ टू लिव अ प्रोफेशनली लाइफ, इसमें आप अपने टाइम को कैसे नियोजित करते हैं, ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसके लिए एक क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू हैव अ सोल? Do you have a soul? Yes. I do not have a soul. I am soul. I have a body. I don't have a soul. I am soul. I have a body. ये perception ठीक करना है। ये perception यदि ठीक होगा तो philosophy ठीक होगी। यदि base गलत है तो आगे कुछ भी स्ट्रक्चर नहीं खड़ा कर सकते। तो बेस ही है कि आई एम ए बॉडी, तो गलत है। आई एम ए सोल एंड आई हैव अ बॉडी, राइट? तो अब इसमें नेक्स्ट स्टेप आता है कि व्हेन आई हैव अ सोल आई नीड अ बॉडी टू स्टे विद इन। इसीलिए बॉडी है, और तो बॉडी का कोई पर्पज नहीं है। और चूंकि बॉडी है तो बॉडी कांट लिव अलोन, उसको कोई ना कोई कंपनी चाहिए। तो एक फैमिली का स्ट्रक्चर उसका नेक्स्ट लेयर रेडी होता है। सो फर्स्ट कोर इज सोल, देन सेकेंड पेरिफेरी इज बॉडी, थर्ड इज फैमिली। फैमिली अकेली तो सस्टेन नहीं कर सकती, तो उसके साथ में आती है सोसाइटी या कम्युनिटी। और इन सबको सर्वाइव करने के लिए, टू फीड द फैमिली, टू सर्व द सोसाइटी, अ पर्सन डू द बिजनेस और सर्विस और जॉब। एम आई राइट? सही है। अब हुआ क्या, मालिक कौन, राजा कौन? सोल। और आपके टाइम का सबसे मैक्सिमम शेयर कौन लेता है? बिजनेस, प्रोफेशन, जॉब। जो सबसे आउटर पेरिफेरी है उसी में उलझ करके रह गए, जबकि उस पूरी पेरिफेरी का जस्ट पर्पस है टू फीड द फैमिली, टू फीड द सेल्फ, टू सर्वाइव योर सेल्फ एंड सर्व द सोसाइटी। बिजनेस का इससे ज्यादा कोई पर्पस नहीं है। मुझे अभी भी समझ में नहीं आता है कि बहुत से लोग 100 करोड़ के बाद कमाते क्यों है। एट द एज ऑफ 70 बलडोटा जी भी अभी काम कर रहे हैं, मैं नहीं समझ पाता ये कर क्यों रहे हैं। जरूरत तो किसी को नहीं है, इतना इनफ है कि पूरी लाइफ आराम से निकाल सकें। और यदि एट द एज ऑफ 60 तक आपने इतना अच्छे से नहीं कमाया, इट मीन्स समवेयर यू आर फुलिश। आपको कमाना ही नहीं आता कि आपको 70 और 80 में भी दुकान पे बैठना पड़ रहा है। या तो लक ने साथ नहीं दिया या ब्रेन ने नहीं दिया, दो में से किसी एक ने कहीं पे कमी रख दी है। तो ये सिचुएशन यदि बिजनेस के प्रति हो जाए कि हम टूल को गोल मान लें, बिजनेस इज फॉर लाइफ, लाइफ इज नॉट फॉर बिजनेस। मनी इज फॉर लाइफ, लाइफ इज नॉट फॉर मनी। यदि मनी कोई गोल बना लिया और उसके पीछे लाइफ चलती गई तो लाइफ प्रोफेशनली नहीं हो सकती। लाइफ का पर्पस दूसरा है। लाइफ का पर्पस है टू प्यूरिफाई द सोल। सोल को ठीक करने के लिए बॉडी मिली है, जिसे हम यदि तत्वज्ञान की भाषा में कहें तो कर्मों को काटने के लिए, निर्जरा के लिए, मोक्ष के लिए। और उसे जनरल भाषा में कहें टू लिव अ हैप्पी लाइफ विद प्योरिटी। सोल के प्यूरिफिकेशन, साइक के प्यूरिफिकेशन के लिए हम बॉडी का उपयोग करें। और बॉडी को चलाने के लिए खाना चाहिए, उसके लिए फैमिली है और फैमिली के लिए बिजनेस है।
तो बिजनेस के आवर्स को कर्टेल करके जो कोर है उसको बढ़ाना चाहिए। बहुत सी बार जो प्रोफेशन में होते हैं वो लोग रात को लेट घर आते हैं, कोई रात को 8 बजे आता है, कोई 9 बजे आता है, और यदि सीजन का टाइम हो, एमएनसी में हो और कोई प्रोजेक्ट सिर पे आ गया तो रात को 10 भी बज जाती है, 11 भी बज जाती है, या सीए हो और लास्ट डेट चल रहे हो तो वो अपना लैपटॉप कैरी करके ही लाते हैं और घर पे भी ऑफिस चलाते रहते हैं। तो इससे अच्छा एक बेड वहीं लगा के सो जाएं, घर में आने की मेहनत भी नहीं बचेगी लगेगी, टाइम भी बच जाएगा। सो दिस इज नॉट अ प्रोफेशनल लाइफ। प्रोफेशनल लाइफ वो है कि जहां हम इसको प्रोफेशनली डिवाइड करें। नंबर वन, एटलीस्ट मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप 8 घंटे सामायिक संवर साधना करो और फिर उसके बाद में जय तुलसी फाउंडेशन को एप्लीकेशन भेजो कि स्कॉलरशिप चाहिए या मुझे कुछ रेमुनरेशन चाहिए, बट एटलीस्ट जहां बिजनेस जितनी जरूरत है उसका डिवीजन प्रॉपर होना चाहिए एज के अकॉर्डिंग। उदाहरण के लिए कि 1 घंटा कम से कम जो यंगस्टर्स हैं अप टू 40, एटलीस्ट 1 आवर फॉर द सोल, 1 घंटा आप अपने अध्यात्म के लिए लगाइए, सोल की प्यूरिफिकेशन के लिए लगाइए, दिमाग की शांति के लिए लगाइए, मेडिटेशन हो, बुक्स रीडिंग हो, स्वाध्याय, ध्यान, साधु संतों के दर्शन, सेवा आदि आदि जो भी करना है, 1 घंटा चाहे माला फेरें चाहे कुछ भी करें जिसमें इंटरेस्ट हो, 1 घंटे का समय अपनी स्पिरिचुअलिटी सोल के लिए लगाइए। 40 की एज में मेरे ख्याल से इट इज इनफ। 1 घंटे का समय फिटनेस के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वो नहीं होगा तो आप धर्म भी नहीं कर सकते। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, तो चाहे वो आप स्पोर्ट्स में दो, चाहे योगासन करो, चाहे प्राणायाम करो या जो कुछ भी आपको लगता है, तो वो आपका समय लेगा। ऐसे ही 1 घंटे का समय कम से कम मे बी 2 आवर्स विथ फैमिली, उतना तो लगना ही चाहिए। और फैमिली के साथ भी 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है आपके पेरेंट्स, जिनको मिस कर जाते हैं, जाते समय में प्रणाम करके चले जाते हैं, आकर के प्रणाम कर लिया कि माँ आ गया, माँ चला गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो इसकी बजाय आधी घंटा उनके साथ समय बिताएं। दादा दादी घर पे हैं तो उनके साथ समय बिताएं, मम्मी पापा घर पे हैं तो उनके साथ समय लगाएं। हो सकता है कि बूढ़ी माँ जी को भिक्षु स्वामी के ढाल पसंद हो तो उसके साथ आधी घंटा ढाल ही चितारें, पर आधी घंटे का समय अपने पेरेंट्स के साथ मिनिमम बिताना चाहिए एज अ फैमिली मेंबर। आधी घंटे का समय अपने बच्चों के साथ लगाना चाहिए ताकि उनको कुछ शिक्षा दे सकें, उनको कुछ समझा सकें, उनको लाइफ के बारे में, वैल्यूज के बारे में, धर्म के संस्कार दिए जा सकें। हो सकता है चाहे उनके साथ लूडो ही खेलें, खेल खेल में भी बहुत सी चीज़ें संस्कार सिखाए जा सकते हैं, वैल्यूज इम्पार्ट किए जा सकते हैं। वैसा ही हाफ एन आवर एटलीस्ट स्पाउस के साथ लगना चाहिए जहाँ पे दोनों एक दूसरे के साथ में डिस्कस कर सकें। ये नहीं कि वो बोलते जाएं और आप अपना इंस्टाग्राम या फेसबुक लेके स्क्रॉल करते जाएं, अटेंशन हो ही नहीं, या न्यूज़पेपर खोल के बैठ गए और हाँ सुन रहा हूँ। सुन रहा हूँ डजंट मीन हियरिंग, सुन रहा हूँ का मतलब होता है लिसनिंग विथ अटेंशन। तो आधी घंटे का समय उनके साथ जाएगा तो परिवार में शांति रहेगी। तो 1.5 घंटा कम से कम परिवार में बीते, 1 घंटे का समय कम से कम एवरेज सोसाइटी के लिए रिजर्व रखें। हो सकता है कि डेली न दें, वीकेंड में दे दें, बट कम से कम 1 घंटा धर्म संघ के लिए, और उसके बाद जो समय बचता है वो बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए। तो इससे एक बैलेंस्ड प्रोफेशनल लाइफ हो सकती है। ऐसा नहीं हो कि एट द एज ऑफ 60 या 70 फिर ये सोचें कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, या एट द एज ऑफ 60 या 70 जब आपका बेटा आपका काम संभालने लग जाए तो आप ये सोचो कि अब मैं क्या करूं। मैंने गुवाहाटी के एक भाई से पूछा था, 80 ईयर्स के प्लस के हैं, मैंने कहा कि भाई अब क्या करते हो, अब तो दुकान से फ्री हो? तो बोला नहीं, दुकान तो जाता हूँ। मैंने कहा दुकान क्यों? बोला दिन कटी को नहीं हुआ, फिर दिन कैसे पास करूं?
टाइम इतना है, पास कैसे करूं, इसलिए मुझे दुकान जाना है, बाकी कोई बिजनेस नहीं है। इसका रीजन क्या है? यदि एट द एज ऑफ 40 से अपनी लाइफ को चेंज करते एंड 50 तक आते आते अपने बिजनेस के घंटे को एक और कम कर दो, उसे चाहे सोसाइटी में बढ़ा दो, एट द एज ऑफ 60 अपने बिजनेस के एक घंटे दो घंटे को और कम कर दो, सोसाइटी के साथ फैमिली में बढ़ा दो, एट द एज ऑफ 70 सब सभा संस्थाओं से रिटायर हो जाना चाहिए, किसी को संरक्षक परामर्शक के सिवाय किसी भी एक्टिव पोस्ट पे नहीं रहना चाहिए यदि प्रोफेशनली लाइफ जीना आता हो तो, ओनली फॉर धर्म संघ, सेवा, उपासना, अध्यात्म एंड पोते पोती में वो संस्कार देना कि वो इसी सेम चीज को कैरी फॉरवर्ड कर सके, एंड एट द एज ऑफ 80 उससे भी विमुख हो जाना चाहिए, टुवर्ड्स सोल बढ़ जाना चाहिए। जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए ना कोई बिजनेस होता है, ना सोसाइटी होती है, ना उसके लिए कोई फैमिली होती है, उसके लिए सिर्फ सेल्फ होता है। जैसे वो थोड़ा सा बड़ा होता है, मे बी कुछ दिनों का या कुछ महीनों का, तो वो फैमिली के साथ में जुड़ता है। थोड़ा और बड़ा होता है, स्कूल जाने लगता है, तो वो फ्रेंड सर्कल सोसाइटी बनाता है और उसके बाद बिजनेस में जाता है। तो जितना 20 साल के बाद बिजनेस में गया है, 25 साल के बाद बिजनेस में गया है, तो वैसा ही रिवर्स साइड में 20 साल पहले बिजनेस से निकल जाना चाहिए और उसके बाद में वो टूवर्ड्स अगेन सोसाइटी, फैमिली एंड सेल्फ की तरफ बढ़ता जाए। एट द एज ऑफ 80 उसे बिजनेस से कोई मतलब नहीं, सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ सेल्फ के लिए अपना काम करें एंड मिनिमम ऑफ फैमिली, तो ये एक प्रोफेशनल लाइफ हो सकती है। सेकेंड इश्यू जो बहुत से प्रोफेशनल्स पूछते हैं कि महाराज क्या करना चाहिए, टाइम नहीं मिलता, तो और कुछ नहीं करना है, सिंपल है, टाइम से सोना शुरू कर दो। मैं बोलूं कि टाइम से उठो तो ये पॉसिबल नहीं है। 5 बजे उठना चाहिए, 5:30 उठ जाना चाहिए। आइडियल टाइम है कि सूरज उगे उससे एक घंटा पहले आप उठ जाने चाहिए, दैट इज द परफेक्ट टाइम। उससे पहले उठे तो अच्छा है, बट कम से कम एक घंटा पहले तो उठ जाएं। तब सूरज तो उग जाता है 6 बजे, 1 बजे तक तो वो लास्ट सीन है उनका। सुबह 5 बजे कैसे उठेंगे? 4 घंटे की नींद तो काफी नहीं है, क्योंकि मेंटल श्रम ज्यादा है, तो मेंटल एक्सर्शन है, तो उनको फिर टाइम चाहिए रेस्ट के लिए। तो सोना पहले शुरू करो, सोने का टाइम यदि ठीक किया तो उठने का अपने आप हो जाएगा। एक दिन आप रात को 9 बजे सो के देखो, सुबह 4 बजे 5 बजे तक आंख अपने आप खुल जाएगी। पर सोएंगे 1 बजे 2 बजे तो 5 बजे नहीं उठ सकते। सोने के टाइम को सोने के समय सोना, जगने के समय जगना, क्योंकि आदमी के सोने का टाइम होता है आफ्टर सनसेट, जैसे जैसे अंधेरा आए उसके 2-3 घंटे बाद। आप लोगों ने सिरकाडियन रिदम के बारे में पढ़ा होगा, अदरवाइज गूगल पे सर्च करके देख लें कि हमारी जो बॉडी है उसका इट्सेल्फ एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, और जो बायोलॉजिकल क्लॉक एडजस्ट नहीं होता है, वो बायोलॉजिकल क्लॉक सोलर सिस्टम के अकॉर्डिंग गवर्न करता है, और उस बायोलॉजिकल क्लॉक में आज हजारों साल की कोडिंग की हुई है कि किस समय में डाइजेशन के हार्मोन्स को सिक्रेट करना, किस समय में फोकस के अटेंशन को बढ़ाना। तो आपका जिस समय में जो फोकस का स्पेन है उस समय तो आप बाथरूम में रहते हैं, जिस समय में आपका डाइजेशन का स्पेन है उस समय में आप खाते नहीं हैं, खाने का समय हो गया आजकल 2 बजे 3 बजे लंच पीरियड, शाम का खाना है 9 बजे 10 बजे, तो 10 बजे खा के बोलते हैं इवनिंग वॉक पे जाते हैं। अब 10 बजे या तो चमगादड़ जाते हैं, उल्लू जाते हैं, कमेरी जाती है, अब आजकल आदमी 10 बजे घर से निकलता है बोले वॉक पे जा रहे हैं, तो 10 बजे ऑक्सीजन मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। सब तो प्रोफेशनल्स है ना, जानते होंगे कि ऑक्सीजन मॉर्निंग आवर्स में मिलता है, लेट नाइट में नहीं मिलती। तो यदि ऑक्सीजन लेना है तो मॉर्निंग वॉक पे जाओ, तो अपने टाइम टेबल को ठीक करो। तो आपका यदि टाइम टेबल सुबह उठना 5 बजे होगा,
तो डेफिनेटली आपको सामायिक के लिए एक घंटा मिल जाएगा। अभी सामायिक करना है तो 8 बजे 8:30 बजे तो उठते हैं, नहा धो के इमीडिएट ऑफिस जाना है। वही 5 बजे उठ गए तो आप सोचेंगे अब क्या करूं, टाइम तो बहुत है, ऑफिस तो 10 बजे से पहले खुलेगी नहीं। सो यू विल गेट 5 आवर्स विद यू टू डू ऑल योर एक्टिविटीज। हो सकता है किसी को स्पोर्ट्स का शौक है तो स्पोर्ट्स पूरा होगा, धर्म का शौक है तो धर्म का शौक पूरा होगा, हेल्थ ठीक रहेगा, फिटनेस ठीक रहेगी और दिमाग प्रसन्न रहेगा। 10 बजे खाना खा करके जो सोने चले जाते हैं उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो रिफ्लक्स करेगा। और ये मैं नहीं बोलता हूँ, यहाँ कोई भी डॉक्टर हो, मे बी हो गए यहाँ पे कोई ना कोई डॉक्टर, तो कैसे डॉक्टर साहब, एम आई राइट? डॉक्टर साहब ने पास कर दिया, मतलब मैं गप नहीं मार रहा हूँ, आई एम टॉकिंग ऑन द बेस ऑफ साइंस। तो उसके कारण से आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी, और यदि एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी तो चिड़चिड़ापन होगा, और वो चिड़चिड़ापन किस पे निकलेगा, दो ही जगह है, एक तो स्पाउस पे और दूसरा चिड़चिड़ापन निकलेगा सबऑर्डिनेट पे, बॉस पे तो निकल नहीं सकता। तो वो सारा असर निकलेगा सबऑर्डिनेट पे, और उससे क्या होगा, उसका मूड भी खराब होगा। तो एसिड तो आपके बन रही थी, भुगतना उसको पड़ता है। तो प्रोफेशनल तरीका ये है कि हम अपने लाइफ को प्रोफेशनली जिए, टाइम पे उठे, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। क्या है याद सबको है, फॉलो? तो याद करने से कुछ नहीं होगा, फॉलो करना होगा कि हम यदि इस चीज को अपने लाइफ में अपना लें। जैसे साधु संतों को देखो, सभी जन सूर्योदय से 1 घंटा पहले 2 घंटा पहले उठ जाते हैं, चाहे लेट सोए तो भी उससे पहले तो उनको उठना ही उठना है, तो पर्याप्त समय मिलता है, और उस समय में जो मेलाटोनिन का स्राव मिलता है, हार्मोन्स का, उसका फायदा अलग है। तो डेली थोड़ा समय मेडिटेशन के लिए निकालें तो उस मेडिटेशन से आपको फायदा होगा। यदि अपने लाइफ को प्रॉपर तरीके से मैनेज करें तो आपको इसका बेनिफिट होगा। एंड खाली प्रोफेशन या बिजनेस या केवल जॉब के लिए हम नहीं हैं, हमारे लाइफ का पर्पज़ इससे बियॉन्ड है। अभी जैसे मैं संजय धारीवाल को देखता हूँ, हैं क्या यहाँ पे, गए होंगे, तो अभी से उन्होंने अपने बिजनेस को इस तरीके से प्लान कर रखा है कि उनके पास में इनफ टाइम है अपने पैशन के लिए, चाहे बुक्स पढ़ना हो, चाहे बुक्स लिखना हो, चाहे सामायिक करना हो या उपासना करनी हो, ही गेट इनफ टाइम। पहले से मैनेज कर लिया कि एट द एज ऑफ 50 और 60 आई हैव टू डू दिस। तो ऐसे ही आप भी अपना प्लान बना लें कि मुझे इस समय के बाद में अपने लाइफ को इस तरीके से चेंज करना है, इस समय के बाद में मुझे अपने लाइफ में स्पिरिचुअलिटी के पार्ट को इतना बढ़ाना है, और जो अपना टाइम है उसको भी डिवाइड कर लें कि अभी के अकॉर्डिंग कितना घंटा बुक्स रीडिंग में जाए, कितना समय सामायिक साधना में मेडिटेशन में जाए, कितना समय फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ जाए, कितना समय बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए चाहिए। तो इस तरीके से यदि जिएंगे तो हमारा लाइफ बहुत प्रोफेशनल तरीके से जी पाएंगे। तो उसके बाद आपके लाइफ को देख करके, जैसे आजकल डाइटिशियन का कोर्स चलता है, हर आदमी एक डाइटिशियन को पूछता है कि मुझे क्या खाना है, तो वो एक चार्ट बना के देती है कि ये खाना है, इस दिन ये खाना, इतने बजे ये खाना, ये जूस खाना, ये नहीं खाना, नथिंग एल्स, कुछ भी इसके सिवाय नहीं लिखते, और उसके लिए आपसे चाहे मंथली 3,000 to 10,000 चार्ज करते हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे डाइटिशियन है वैसे ही एक कोई शेड्यूल बनाने वाला भी होना चाहिए, टू लीव अ प्रोफेशनल लाइफ, इतने बजे आपको उठना है, इतने बजे आपको वॉक करना है, इतने बजे आपको सामायिक करनी है, इतने बजे आपको बिजनेस करना है, इतने बजे से इतने बजे तक मोबाइल का डिटॉक्स होगा, इतने बजे से इतने बजे तक आपको सोना है, इतने बजे खाना है। तो ये शेड्यूल भी प्रॉपर बना दें तो जो लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही है उससे बहुत हद तक बच जाएंगे। प्रॉब्लम क्यों आती है, क्योंकि लाइफस्टाइल ठीक नहीं है। आजकल डॉक्टर लोग कहने लग गए दिस इज द लाइफस्टाइल डिजीज। वो डिजीज डिजीज नहीं है, क्योंकि वो बीमारी थी नहीं, उस बीमारी को इनविटेशन दे करके बुलाया गया।
और इनविटेशन भी कैसे बार बार इनवाइट करके प्लीज कम प्लीज कम, तब वो डायबिटीज आती है या हार्ट की बीमारी आती है। यदि लाइफस्टाइल ठीक हो तो ये सब चीजें अपने आप ठीक हो जाती है। तो हमारा लाइफस्टाइल प्रोफेशनली होने का मतलब है कि हम एक ट्रू प्रोफेशनल हो सकेंगे।